देख के ही समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को आज क्या बताने जा रहा हूँ। तो किन्हीं किन्हीं न्यूज़र को यह प्रॉब्लम होती है कि अगर वो आधे घंटे या 5-10 मिनट नेट चलाते हैं तो उसका विंडोज ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगती है और उसका जितना डाटा रहता है वह लो हो जाता है। या किसी किसी यूजर को प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो नेट तो चला लिया, जैसे ही उन लोग पॉप करने की बारी आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आइकन होगा विंडो ऑन अपडेट इंस्टॉलिंग पीसीएन एंड ड्राइवर, इस तरह का आता है। ये थोड़ा टाइम ही लेता है पॉप होने में। तो इन्हीं को मैं बंद करने के लिए आज एक मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा या जो भी चीज़ को नहीं पता है ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने पर देखते हैं आप लोगों का इस तरह का डेस्कटॉप मिल जाएगा। सबका वॉलपेपर अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्च बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। आपको रन आना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है services.msc। आप लोगों का इस तरह का एक पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा सर्विसेज है तो एक एक करके मैं धीरे धीरे आप लोगों का बता दूंगा। आपको यहाँ पे खोजना है विंडोज अपडेट, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर W आता है, तो मैं W पे क्लिक करता हूँ कीबोर्ड पे। अब देखिए यहाँ पे विंडो अपडेट है जो कि मेरा डिजेबल है। आप लोगों को भी डिजेबल करना है तो किस तरह करते हैं वो देखें। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट क्लिक करना है और सेकंड में राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हाईलाइटेड है प्रॉपर्टीज उस पर आना है। उस पर मैंने सिंपली क्लिक किया। सिंपली करने के बाद आप देखिए यहाँ पे है डिजेबल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, या फिर मैनुअल रह सकता है। तो आपको सिंपली डिजेबल पर क्लिक करना है और अप्लाई ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो विंडोज अपडेटेड था वो स्टॉप हो जाएगा। तो हाँ, इसको अप्लाई करने के बाद अपना विंडोज रीइंस्टॉल जरूर कर ले ताकि सेटिंग फिर अच्छा से काम करे। तो थैंक यू, धन्यवाद।